नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भारद्वाज कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाई, आज की वीडियो में आपको जो लौकी की फसल होती है उसमें जो जड़ गलन हो जाती है उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं और उसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे कि जो भी नया हमारा वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं ये लौकी का पौधा है और इसका कलर पीला होता जा रहा है, इसकी जड़ जो है उसमें भी दम नहीं रहा है। तो ये जो समस्या है किसान भाइयों, वो जड़ गलन की है। आप शुरुआत में जो लक्षण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। आप देख सकते हैं ये जड़ जो है इस तरीके से आपको काली काली दिखाई देगी, थोड़ा अंदर ये काली काली दिखाई देगी। उसके बाद पौधा धीरे धीरे मुरझाना प्रारंभ हो जाएगा और वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो लक्षण अगर आपकी फसल में दिखाई देते हैं किसान भाइयों, तो इसके नियंत्रण के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 50% WP जो आता है 45 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने में किसान भाई ध्यान रखें पूरे पेड़ पर, और जैसे ये पेड़ है इस पर भी, और इसकी जो जड़ें हैं थोड़ा सा इस जड़ में भी आप थोड़ा सा स्प्रे ज़रूर करें, उससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।